हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्ले पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है क्वीन। इस वेब सीरीज में हमें फिलहाल तो 11 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड्स के लिए लगभग एक घंटे से लेकर 37 मिनट की है। यू तो ये एक बायोपिक है, लेकिन इनके मेकर्स का कहना है कि ये कोई बायोपिक नहीं है, बल्कि ये एक बुक पर बनाई गई वेब सीरीज है जिस बुक का नाम है क्वीन, जिसे लिखा था अनीता शिव कुमार ने। लेकिन पर्सनली अगर मेरी माने तो ये बायोपिक है तमिलनाडु की एक्स सीएम श्री जयललिता जी के ऊपर। क्योंकि अगर आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से, और ये इंटरव्यू का जो लोकेशन है, जो सेटअप है, बिल्कुल सेम। आप यूट्यूब पे टाइप करोगे सिमी गरेवाल इंटरव्यू जयललिता जी, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। क्योंकि जयललिता जी का जो बिंदी लगाने का स्टाइल था, जिस तरीके से वो साड़ी पहनती थी, उनका गेटअप रहता था, बिल्कुल यहाँ पर आपको राम या कृष्ण देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज में जो कहानी बताई गई, वो कहानी कहीं ना कहीं जयललिता जी की जिंदगी के ऊपर बिल्कुल सूट होती है। हाँ, कुछ कुछ बातें यहाँ पे फिक्शनल देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी स्टार राम्या कृष्णन का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये कोई तमिलनाडु की एक्स सीएम जयललिता जी के ऊपर बनाई गई बायोपिक नहीं है, बल्कि एक फिक्शनल कहानी है। तो चल मान लेते हैं कि एक फिक्शनल कहानी है। तो इस वेब सीरीज की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है शक्ति। उसकी यहाँ पर स्कूल की जिंदगी से लेकर उसकी फिल्मी करियर से लेकर पॉलिटिक्स में किस तरह से वो जाती, क्यों जाती, किसकी वजह से जाती, ये सब कुछ इस वेब सीरीज में बताया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। मैंने इतनी सारी बायोपिक्स देखा, लेकिन मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक है। क्योंकि यहाँ पर किसी एक शख्स के ऊपर बहुत अच्छा नहीं बताया, यानी कि यहाँ पर ऐसा बताया कि शक्ति जो भी है, शक्ति इगोइस्टिक भी है, शक्ति इमोशनल भी है, शक्ति दिल की बहुत अच्छी है, शक्ति की कभी कभी अपनी मॉम से नहीं बनती है, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि उसकी माँ से उसकी अच्छी बने रहे। शक्ति शादी तो करना चाहती है, लेकिन वो जिससे पसंद करती है उससे शादी नहीं होती, लेकिन जब दोबारा से वो किसी से शादी करने जाती तो एंड टाइम पे उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर एक लड़की की पूरी जिंदगी बताया, उस लड़की की जिंदगी में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं वो बताया, और बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्शन किया गया इस वेब सीरीज को। उसके अलावा यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की बात करूं तो शक्ति के किरदार में यहाँ पे हमें तीन अलग अलग एक्टर्स ने इस कैरेक्टर को प्ले किया। पहले तो राम्या कृष्णन ने, उसके अलावा दो और एक्ट्रेस है जिन्होंने यहाँ पर शक्ति का रोल प्ले किया है। तो जो चाइल्ड शक्ति है जो स्कूल में, उसका परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो यंग शक्ति है जिसने यहाँ पे यंग शक्ति का रोल प्ले किया, उसका परफॉर्मेंस मुझे राम्या कृष्णन जी से भी ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि ये वेब सीरीज फिलहाल फोकस करती है शक्ति के स्कूल के दिनों पर और उसकी फिल्मी करियर में उसके किस तरह से उतार चढ़ाव आया था, किस तरीके से एक सुपरस्टार के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई और उसकी शादी होते होते रह गई, फिर आगे चलकर वो एक पॉलिटिशियन बन, जब किसके वजह से पॉलिटिशियन बनती, ये हमें इस वेब सीरीज बताया। तो कुल मिला के ये वेब सीरीज अभी तक मुझे पर्सनली फील होता है कम्प्लीट नहीं है, क्योंकि अभी भी उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बता रहा, बाकी पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो किस तरीके से उतार चढ़ाव झेले और उनकी सफर कहां तक का था, वो अभी हमें शायद सीजन टू में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां तक मैं आप लोगों से इतना ही बोल सकता हूं कि सीजन वन मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं से भी बोर नहीं करता है। 11 एपिसोड होने के बावजूद, हर एक एपिसोड लगभग एक एक घंटे के होने के बावजूद भी ये स्टोरी काफी इंगेजिंग लगती है। हाँ, इसका नेगेटिव पॉइंट सिर्फ यही है कि सबको इतने बड़े बड़े एपिसोड्स पसंद नहीं आते, और जो उनका लव एंगल था, यानी कि जो उनका फिल्मी करियर था, उस फिल्मी करियर को काफी डिटेल में बताने की वजह से लगभग 6-7 एपिसोड्स तो सिर्फ उसी चीज में खा गए लोग ने, तो वो थोड़ा ज्यादा खल रहा था। क्योंकि लास्ट के 3 एपिसोड्स में हमें उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में देखने को मिला, अदरवाइज मोस्टली उनके फिल्मी करियर के ऊपर ही पूरे के पूरे एपिसोड्स थे। तो मेरे हिसाब से एक एंगेजिंग स्टोरी, अगर बायोपिक की नजरिए से देखा जाए तो ये वन ऑफ दी बेस्ट बायोपिक बनी होगी मेरे हिसाब से। तो मेरा ओपिनियन इतना है कि मैं इसको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। अगर आपको ये वेब सीरीज देखना है, अगर आपको ये बायोपिक देखना है श्री जयललिता जी के ऊपर, तो आप ये बायोपिक को जरूर देखना। आई होप आप लोग को भी बिल्कुल पसंद आएगी जैसे कि मुझे अच्छी लगी। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये बायोपिक देख लिया हो तो आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतनी, आवाज थोड़ा ज्यादा परेशान करी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन